मेरा नाम सुनीता नेगी है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एक बधाई जा रही हूँ। बधाई क्या होता है मैं ये आप लोगों को वीडियो में आगे बताती हूँ। पहले मैं जिस गांव जा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। बे गांव आता है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के भावा वैली के अंदर। भावा वैली में वैसे तो बहुत सारे गाँव आते हैं, लेकिन जैसे ही हम भावा वैली में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो गाँव आता है वो आता है बे गांव के अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, श्री कमशू नारायण जी का। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ, क्योंकि हमारे जो कमशू नारायण जी है जो बधाई के लिए ले गए हैं उनका वीडियो निकालना मना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मंदिर के दर्शन ही करा दूँ। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ आज बेई, तो वहाँ पे आज बधाई, तो बधाई में ले जाया जाता है हमारे फूल माले जो अखरोट और खुमानी के बने होते हैं, ये देख सकते हैं आप अच्छे से। तो ये जो दो माले हैं दोनों तरफ से ले जा रही हूँ मैं, ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से, दोनों तरफ से मैं ही जा रही हूँ। अभी चलती हूँ, आप लोगों को रास्ते में मिलूँगी, और भी लोग आने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों आ रहे हैं हमारी भाभियाँ। कैसे आ रहे पहुँच गए? 15 मिनट पहले पहुँच गए। हाँ जी पहुँच गए। मैं भी जा रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा ले जाएंगे तो आप लोगों के साथ ही हूँ मैं शुगर खाने। तो चलते हैं दोस्तों, अब आ चुके हैं हमारे साथी गण। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं भाई, तो भाभी और हम दोनों पीछे रह गए, बाकी जो है आगे सारे आगे जा चुके हैं। तो यहाँ से ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, पौड़ियाँ चढ़ने का है। तो ये देखो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर लेंगे दोस्तों प्राइमरी स्कूल के पास। तो हम यहाँ पे, हमारे को बहुत ज़्यादा जो है प्यास लग चुकी है, तो हमारी भाभी जी जा रहे हैं पानी की तलाश में। ये है प्राइमरी स्कूल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा स्कूल है ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप बाहर, नमस्ते। ये देखो हमारे सिस्टर भी मिल गए यहाँ पे। हाय निशी ने 30 साल से बुरा हाल तेरे बच्चा लगा, नमस्ते। ये देखो भाई दोनों भावा नगर वाले यहाँ पहुँच गए। हम दोनों तो गलती से आए यहाँ पापा पानी की तलाश, नमस्ते, पानी की तलाश में बेगी चल था मैं बेचारे पाँच मते तो शाह ठीक है ये बताइए तुम तो ले पियेंगे हम पानी पानी ठीक है ले बोरे चिंता ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों खुमानी कितने बड़े बड़े हो गए। चलो चलते तो ये है भाई खूबसूरत छोटा सा बे गाँव, ऊपर की तरफ इस तरह से दिखता है, बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा है। लेकिन हमें जाना है अभी इस तरफ, ये जो झंडा वाला घर है ना इसके पीछे है घर, तो वहां जाना है, तो बहुत दूर है, चल पाएंगे? तो भाभी जी तो चल पड़े हैं, चलती हूँ मैं भी। तो भाभी जी और हम दोनों फाइनली पहुंच चुके हैं घर के पास, और घर सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए फूल माले देना भी स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, और वैसे लेट तो नहीं हुए हम दोनों भी, एकदम ठीक और सही टाइम पे पहुँचे हैं। आधे तो बिजी है, नमस्ते दिया आने से इशारे लगे आशुतोष जी। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हुई है ना दोस्तों, फूल माला देने के इंतज़ार में बैठी हुई है। कोई फूल माला देता है तो कोई खतक्स देता है। खतक्स किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट, येलो, ग्रीन, रेड, कई कलर के होते हैं खतक्स। सीधी कई बार ना पता है दोस्तों सही टाइम पे जो है ना फूल माला इस तरह से उलझ जाती है, तो इसको एक एक करके अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी भाभी जी यहाँ भी जो है अब फूल माला देने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों जिन जिन ने फूल माला दे रखी है वो यहाँ पे आके कर रहे हैं लंच। यहाँ देख सकते हैं हमारी भाभी जी, हम बुआ जी, कोई सिस्टर यहाँ पे अब कर रहे हैं लंच। तो लंच में क्या खा रहे हैं ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे जो लोकल अनाज से बनाया जाता है चिल्टे, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। बने हुए नहीं गई छू मारी गए तो
तो यहाँ पे बना रहे हैं चिल्टे, और ये जो चिल्टे बन रहे हैं वो गेहूं के चिल्टे बनाए जा रहे हैं, और ये वाला जो चिल्टा बन रहा है ये बकवीट के आटे का बन रहा है। और जो नए व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि बकवीट क्या होता है। बकवीट दो प्रकार के आटे होते हैं, एक होता है थोड़ा मीठा और एक होता है थोड़ी सी कड़वी। तो यहाँ पर बनाया गया है मीठे में खीर, खीर बनाया गया है स्पेशली चिलई का, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो होता है यम्मी होता है, तो मुझे खा के बहुत ही अच्छा। अब हम भी जो है ना लंच करने के लिए बैठ चुके हैं, तो भाभी जी ने देखो स्टार्ट भी कर दिया। तो ये जो मैं अभी तक चिल्टे दिखा रही थी इसको हम खाएंगे शहद और घी के साथ। वैसे तो किसी किस चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी शादी और जैसे इस तरह की बधाइयाँ होती है तो वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो चिल्टे पसंद किए जाते हैं शहद और घी के साथ ही किए जाते हैं, और खाया भी इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। लंच हमारा हो चुका है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे फूल माला दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे घर के सभी सदस्य जो जितने भी जिनको फूल माला दी गई थी वो यहाँ पे नाटी लगा रहे हैं बैंड बाजों के साथ, जो नारंगी के जो बैंड बाजे होते हैं कमशी नारंगी के, स्पेशली उन्हीं बैंड बाजों के साथ जो है ना बधाई में नाचा जाता है। और यहाँ पे ननियाल वाले होते हैं इनके, जिसको हम बोलते हैं कि नौरी में मापो वाले, वो भी यहाँ पे मतलब नाचते हैं गाते हैं अपने भांजों के साथ, भांजियों के साथ खुशी मनाते हैं, इंजॉय करते हैं इस शुकुत को। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि बधाई क्या होती है, ये मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो बधाई एक तरह का कह सकते हैं दोस्तों इच्छा, अपने बच्चों के प्रति इच्छा, अपने पोतों के प्रति इच्छा। जब कोई माँ बनने वाली होती है या माँ बनने से पहले या माँ बनने के बाद इच्छा रखती है, या फिर कोई घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं दादा दादी, वो अपने पोतों के प्रति जो है इच्छा रखते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो इच्छा किसके प्रति रखते हैं? वो इच्छा रखते हैं दोस्तों हमारे कुल देवी देवताओं के प्रति। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाएंगे तो आप लोगों को हम ले जाएंगे, वही इच्छा पूरी होने के बाद ही जो है हमारे कुल देवी देवताओं को ले जाया जाता है। तो इसी तरह की इच्छा पूरी होने के बाद ही हमारे देवी देवताओं को ले जाया जाता है। देवी देवताओं के प्रति हमारी एक तरह से जो बोल सकते हैं दोस्तों आस्था होती है। हमारे वैसे भी पहाड़ों में देवी देवता बहुत ही ज़्यादा जो है शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पे वीडियो मैंने हमारे नारंगी का इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि हमारे नारंगी का वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। थोड़ा सा किन्नौरी नाटी का एंजॉय आप लोग भी करिए, और ये हमारे जो कल्चर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों शेयर करना, ताकि ये आगे तक जा सके, लोगों तक पहुंच सके कि हमारे यहाँ पे इस तरह का एक कल्चर भी होता है, रीति होता है, रिवाज होता है। तो हम दोनों चल पड़े हैं वापस घर की तरफ, भाभी जी और बधाई तो अभी भी चला हुआ है, लेकिन हम दोनों को जाना है बहुत ज़्यादा दूर, 7-8 किलोमीटर हम दोनों को चलना है क्योंकि हम दोनों के पास कोई गाड़ी नहीं है। तो चलते हैं। ये देखो पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, शुकुत खा के थक गए हमारे कापनू भाई सही लोग। अच्छा छुपो रही थे मलतंग बनाया है, अरे सच बोल रहे हैं, देखते हुए नाचेंगे कि नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे अब देखेंगे। अरे लिया चलो अब नाच दिखाओ। जी हम आपका वीडियो देखते हैं, सच बोल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, बहुत अच्छा अच्छा होता है आपका वीडियो, हमेशा देखते हैं हम तो आपके वीडियो भी अच्छा लगता है, आप भी अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, अभी थके थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है यहाँ नहीं किसी आम से आप ही नानी सारी गाड़ी में बरबर थी गई हाँ ना किशन का छोटे अजय में जितने के सी मेरे को नहीं देखा, मैं भी तो आई थी वहाँ क्या बात कर रहे हैं आप तो अपना कैमरे में भी अच्छा हम तो
आपसे मिलने के लिए कहा यंग पासी के वहाँ आई थे आपके फैमिली में देख ही नहीं रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद चलो चलते हैं इस गाड़ी में जा रहे हैं ये देखो भाई ये भी मिला कम से कम मिलने को नहीं बड़ी मुश्किल से डाली में बैठ के आ रहे हैं ये देखो मिलिए मेरे डाली में आ रहे हैं हमारी पहाड़ों की महिलाएं कितनी स्ट्रांग है देखो छोटा बच्चा भी हमारा किस तरह से स्ट्रांग है देखिए देखिए तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को घर अब। तो दोस्तों पता है आज हमारे को ना लिफ्ट ही नहीं मिली सुबह तो हमारे को छोड़ दिया था भाभी जी ने और वापस आते वक्त हमारे को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो आधा तो हम चले पैदल और उसके बाद हमारे को मतलब गढ़गांव के बाद उरी पुल तक जो है ना लिफ्ट मिली वो भी कैंपर तो आपने देख लिया कैंपर में तो इस तरह से हम जो है ना घर पहुँचे तो आप लोगों को मैंने बता दिया बधाई क्या होता है तो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ हमारे किन्नौर में किस तरह का कल्चर है किस तरह से हमारे मेरे वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों ने मैंने छोटा दलोच भी दिखा दिया और जो ये बधाई है वो भी दिखा दिया जो नहीं देखे नए व्यूवर्स हैं उन्होंने तो जैसे जैसे यहाँ पे किन्नौर में और जैसे जो भी त्यौहार होते हैं जो भी फेस्टिवल्स होते हैं जो भी मतलब किन्नौरी कल्चर के में होते हैं वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना मैं मिलूँगी आप लोगों को एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय अपना ख्याल रखना।